एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारी बैटरी होती है उसका बैकअप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं AH के थ्रू, जिसे हम एम्पियर आर कहते हैं, आवर कहते हैं जिसे हम, उसके थ्रू हम आज बैकअप निकालेंगे कि बैकअप कितना देगा ये हमारी कितनी भी AH की बैटरी है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कितनी 120 AH की बैटरी होती है, 150 AH की बैटरी होती है, या फिर 180 AH की बैटरी होती है। क्लियर? इन सभी में मैं आपको इसमें दो मेथड्स बताऊंगी जिससे आपको बैटरी का बैकअप निकालना इजी हो जाएगा। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक इन्वर्टर लगा है, क्लियर, इस पर एक आती है इनपुट, इस पर जो इनपुट आती है जैसे चार, और एक आती है आउटपुट जो होती है उसकी 220 वोल्ट। इसके इनपुट में क्या होता है कि इन्वर्टर को इसकी चार्जिंग वोल्टेज दी जाती है, और इसके बाद जो बैटरी हमारी चार्ज होती है, और इसके साथ जो हमारी आउटपुट आती है वो 220 वोल्ट आती है, जिसके साथ हमारा लोड का कनेक्शन होता है। होप क्लियर। और उसके बाद जो है हम मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है, जो भी मेथड आपको यूज़ करना है उसमें सबसे कंपलसरी चीज़ है कि हमें अपना लोड जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, जितना भी लोड है हमें पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए, जिससे हमें इजी हो जाएगा। इसमें जो तीन चार चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं निकालने के लिए। सबसे पहले है हमारी बैटरी वोल्टेज। अगर आपके पास एक बैटरी है तो ये 12 वोल्ट रहेगा, दो है, चार है, वैसे आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करते रहोगे। उसके बाद है हमारा जो रहेगा बैटरी की AH कितनी है, AH वैल्यू ऑफ बैटरी। यहाँ पे मैंने 150 AH की बैटरी ली है, तो उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा लोड। अब मैंने लोड कैलकुलेट करना आपको बता दूंगी यहाँ पे कि कैसे लोड कैलकुलेट करना है। सपोज आपके घर में जो फैन है वहाँ पे एक फैन आपका 70 वॉट का है, और आपके घर पे जो फैन लगे हैं वो लगे हैं तीन, तो ये 10 वॉट हो जाएगा, 210 वॉट। और उसके बाद जो आपके घर पे LED बल्ब्स लगे हैं 10-10 वॉट के, वो 9 लगे हैं, तो वो हो गया 90 वॉट्स। और ये टोटल करने के बाद आता है हमारा लोड कितना हो गया, हमारा 300 वॉट हमारा जो है लोड आ चुका है, मतलब हमारा लोड कितना है। उसके बाद जो है हमें पता होना चाहिए एफिशिएंसी, जो बैटरी है हमारी वो 80% एफिशिएंसी मैंने मान ली है यहाँ पे, जिसे हम 0.8 भी लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा बैकअप, बैटरी बैकअप निकालने के लिए, वो रहेगा AH जो हमारा एम्पियर आर है, और बैटरी और हमारी वोल्टेज रहेगी जितनी हमारी वोल्टेज रहती है बैटरी की। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैटरी वोल्टेज। और इसके बाद जो हमारी बैटरीज की गिनती कितनी है, नंबर ऑफ बैटरीज इंटू एफिशिएंसी, जितनी हमारी एफिशिएंसी है उतनी उसका डिवाइड हो जाएगा लोड के साथ कि हमने लोड कितना डालना है बैटरी के ऊपर। होप आप सभी को क्लियर है। यहाँ पे चाहे तो आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मुझे आगे कंटिन्यू करने में इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने बैटरी जो थी वो 150 AH की ली थी, 150 एम्पियर आर्स की ली थी, और इसके बाद जो हमारी बैटरी वोल्टेज है वो 12 है, और इसके बाद जो नंबर ऑफ बैटरीज है हमारे पास वो सिर्फ एक बैटरी ली है मैंने, और एफिशिएंसी जो है वो 0.8 है, और जो हमारा लोड है जो बैटरी पे डाला है वो 300 वॉट है हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैंने ऊपर से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है वो आएगा 1440, डिवाइड हो जाएगा जब 300 के साथ तो ये आएगा हमारा 4.8 आवर्स, कि मतलब जो हमारी बैटरी है वो 4.8 आवर्स हमें बैकअप देगी, मतलब चार्ज करने के बाद वो 4.8 आवर्स 4.5 आवर्स के आसपास ही चलेगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड मेथड की।
सेकेंड मेथड की बात करते हैं, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले रहेगा हमारा बैटरी वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट है। एम्पियर आर ऑफ बैटरी जो है हमारी 150 एम्पियर आर्स की ली है मैंने बैटरी। लोड जो है हमारा वो 300 वॉट्स है। और उसके बाद जो इफिशेंसी है हमारी 80%, उसे हम 80 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.8 वैल्यूज में आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे वो हमने 80% इसलिए लिया है कि कभी भी बैटरी जो हमारी होती है वो फुली डिस्चार्ज नहीं होती है, कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर वो फुली डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी उसके बाद वो कभी हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद इस मेथड में हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें उसमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डिस्चार्ज करंट। और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा लोड डिवाइडेड विद बैटरी वोल्टेज। हमारा लोड था जैसे कि 300 वॉट्स और जो बैटरी वोल्टेज थी हमारी वो थी 12, और इसको डिवाइड करने के बाद आता है वो आएगा हमारा 25 एम्पियर, जो कि आ गया हमारा डिस्चार्ज करंट निकल जाएगा। और उसके बाद जो है हमें आवर्स पता करने हैं, बैकअप पता करना है, तो एम्पियर आवर्स का डिवाइड हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज करंट के साथ, और उसका मल्टीप्लाई होगा हमारा इफिशियंसी 0.8 के साथ। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे हमारा एम्पियर आवर्स है 150 एम्पियर आवर की बैटरी है, डिस्चार्ज करंट जो है हमारा वो 20 है, 0.8 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड करके खुद चेक कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 4.8 आवर्स इसका आंसर आ रहा है। दोनों का आंसर मैच आएगा। साथ ही में आप पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें आपको एक चीज़ बताने वाली है कि जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा कि उतने टाइम ही अगर हमारा 4.8 चला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4.8 ही टाइम वो बैटरी चलेगी। हो सकता है वो 5 घंटे चल जाए, हो सकता है वो 4.5 घंटे में बंद हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कभी कभी हमारा लोड वेरी करता है। जैसे पखे में हमारा फ़ैन होता है उसमें रेगुलेटर लगा होता है, उसे हम उसकी वोल्टेज चेंज करते रहते, स्पीड कभी उसे हम 100% पे चलाते हैं, कभी 80% पे, कभी ऐसा हो जाता है हम पंखे बंद भी कर देते हैं हमारे घर के। इस हिसाब से लोड वेरी होता रहता है और ये जो है एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन उसके आसपास की वैल्यू ये ज़रूर देगा हमें। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप का डिस्चार्ज करंट फॉर सेकेंड मेथड एंड जो हमने बैटरी बैकअप का सेकेंड फॉर्मूला है दोनों इसमें लिखे हुए हैं। Thank you.